ज्योतिष चर्चार नुआ एक देहरे आपण मानक बहुत बहुत स्वागत करुच्ची। मु रश्मि आज भिडियो आज आम जानवा सूर्य राशि परिवर्तन विषय। सूर्य आसंता 16 तारीख दिन तांकर नीच राशि तुला राशि छाड़े बिछा राशि को गोचर करिवे। एहा द्वारा आपण मानक फल मिलिबो, केउ राशि व्यक्ति मानक कौन फल मिलिबो, आ केउ राशि व्यक्ति मैंने कौन शुभ फल पाइबे, कौन समस्या तक अच्छी समाधान हम कि ना, जो मान चाकरी लगन से मानकर चाकरी लगे ना ना, जो मैंने परीक्षा देते से मैंने परीक्षा उत्तीर्ण होते कि ना, मैरिड लाइफ जदि सब छोट बड़े मतांतर मनांतर लगे, बेपार क्षेत्र में जो समस्या थी से समस्या समाधान हम कि ना, आपड़ी निसंतान थे ए मस आप खुशी खबर मिल कि ना, ये सब विषय जाणवा। आ वीडियो को पूरा प्रथम रु शेष जाए देखु, वीडियो को जमा भी स्किप करूनि। तेणु संक्रांति रोचे 16 तारीख को, 16 तारीख रु आसंता 16 तारीख पर्यंत सूर्यंकर राशि परिवर्तन होउचि बिछा राशि रे। बिछा राशि जे कि सूर्यंकर मित्रंकर राशि, अर्थात बिछा राशि रो स्वामी होचंती मंगल, आ सूर्य होचंती मंगलंकर मित्र। तेणु मित्र राशि रे सूर्यंकर राशि परिवर्तन होउचि। को राशि परिवर्तन होबो द्वारा आम मानको कोन कोन शुभ फल मिलुचि, कोन अशुभ फल मिलुचि, से विषय आज आम जानिबा। जो मैंने मो चैनल को नुआ आने चैनल को प्रथम विजिट करूँ। चैनल मासिक राशिफल सह आप बहुत प्रकार शिक्षण जिनस भी मिलजो, सब प्रकार वीडियो मो चैनल अच्छी, आपण मैंने वीडियो देखूँ, चैनल को सब्सक्राइब करूँ, वीडियो को गोटे लाइक कर दिंतु। तेणु चलतु आरंभ करवा, प्रथम कालपुरुष कुंडली मेष राशि ठार आरंभ करवा। मेष राशि सूर्य कौन फल दे? मेष राशि सूर्य रोचार अष्टम भाव रे। अष्टम भाव आम समस्ते जाणीचे, अष्टम भाव ज्योतिष शास्त्र रे एते भल भाव कहा जाएनि, किंतु जेहेतु बिछा राशि पड़ुची सूर्यंकर निज मित्रंकर राशि, तेणु अधिक खराब फल जोटा अधिक अशुभ फल पाइबारु किसी कांसरे आपण शुभ फल पाइबे, किसी कांसरे आपण बर्ती जिबे। अर्थात बिछा राशि पड़ुची अष्टम भाव रे, आ अष्टम भाव रे ही सूर्य गोचर करुछंती। तेणु अष्टम भाव होची आमर चिंता पीड़ा दुख कष्ट सब प्रकार खराब जिनस एक्सीडेंट मृत्यु ए सब जिनस अष्टम भाव देखा जाए। तेणु अष्टम भाव आमर गुणी गारेड़ी भूत प्रेत ये सब जिनस अष्टम भाव देखा जाए। तेणु ए भाव सूर्यंकर गोचर होगा फल आपण जदि बहुत दिन इच्छा करुले कि जंत्र कि मंत्र तंत्र शिखापाई गुणी शिखापाई कि आपण जदि ज्योतिष शास्त्र रे आग्रही थे तेबे आपण ये सब जदि शिखा को चाहूँगी तेल ए समय जिनस शिखिपर आये विशेषकर रोड रे जावाबले ध्यान रखी चलतु, आ गाड़ी चलेला बेले विशेष भाव सावधानता अवलम्बन करूँ। आ शशुर घर संगे कि डिस्प्यूट आपण पैतृक संपत्ति कि डिस्प्यूट देखा दे पारे, आउ जो मैंने रिसर्च विद्यार अच्छा जो मैंने रिसर्च फिल्ड रे अच्छा रिसर्च जो मैंने कर बहुत भल फल मेष राशि देखा रिसर्च फिल्ड रे बहुत भल ना करेंगे। भाग्य किसी कांसरे प्रतिबंधक दूर हम। बिछा राशि स्वामी जेहेतु मंगल, मंगल आपण को जातक मंगल प्लेसमेंट अनुजाई आपण को फल मिल, सूर्यंकर फल अष्टम भाव में मिल, सहित मंगलंकर फल मिल कहीं राशि स्वामी होती मंगल। तेणु सूर्य अष्टम भाव रही द्वितीय भाव को देखुं, द्वितीय भाव आम बाणी भाव आम कुटुंबर भाव, तेणु बाणी कुटुंब क्षेत्र में जदि किसी असुविधा था कि आपण कुटुंब जन मध्य किसी बिवाद लग रहा कुटुंबर अशांति मानसिक पीड़ा था से सब जिनस किसी का आंसर आपण को ये सल्व होवार देखा जाणी टी कर्कश रणी रे निजे अहंकार भाव पर हम तेणु बाणी को कंट्रोल रखु। आ धन एक क्षेत्र में भल अकस्मात किसी धन आपण को ए मस मिल पाए, तेणु ए सब विषय ध्यान रखु, आ धन सेविंग भी भल हो पाए।
मेष राशिर व्यक्ति मैंने जदि आपण मैंने किसी प्रतिकार करने चाहते मेष राशि व्यक्ति मैंने सूर्य को पानी रे जल रे जदि सिंदूर मिसाइ सूर्य को अर्घ्य दिखते आपण मानी बहुत भल हम ता सहित बापा संपर्क भी भल रखत ता सहित निज भाई सहित संपर्क भल रखु शशुर घर सहित संपर्क भल रखु तापर आम जानवा वृष राशि विषय वृष राशि व्यक्ति मान सप्तम घर रवि रोचा आ सप्तम घर आमर लाइफ पार्टनर घर आमर डेली इनकम घर सप्तम भाव आम बिजनेस पार्टनर घर बिजनेस घर तेणु एटी रवि रोचा आपण को सब क्षेत्र में शुभफल मिल किंतु केवल वृष राशि जेहेतु ता सहित आपण को सप्तम भाव में जेहेतु रवि रे एक क्षेत्र में आप लाइफ पार्टनर मध्य टी झगड़ा लग पटितुंड मनमाल्य लग रेणु एक क्षेत्र जदि आप आभोड करेंगे तो बहुत शुभफल आपको मिल पार आस लक्ष्य करेंगे ये षोह रु आसंता षोह भितर डेली इनकम आपंकर बहुत भल बिजनेस पार्टनर सहित संपर्क भल बिजनेस भल करेंगे रवि लग्न को देखुं तेणु ये समय आपण मनरे अहं भाव जग्रत हे बहुत अहंकारी हे निज को राजा बोली भाविबा निजे जहाँ कहवा अन्य माने न मानिले अन्य माने प्रभुत्व विस्तार करेंगे विशेषतः जीवनसाथी को चपेवाक चेष्टा करेंगे जीवनसाथी सहित संपर्क ए समय विशेष भाव ध्यान दिंतु नचे आप दुईज मधे अंडरस्टैंडिंग बहुत खराब आड़ जापे तेणु ये समय एटा मध्य ध्यान रखिए आपण जातक शुक्र प्लेसमेंट भल रहा दरकार शुक्र प्लेसमेंट जदि भल थे आपण वैवाहिक जीवन में कौन सी भी समस्या हेनी जदि आपण ए मसरे प्रतिकार करने चाहते तेल जल में कि क्षीर मिसे सूर्य को अर्घ्य दिंतु आपण को बहुत शुभफल मिल सहित स्त्री कि स्वामी संपर्क भल रखु तापर आम जानवा मिथुन राशि विषय मिथुन राशि व्यक्ति मानकर रवि रोचा षष्ठ भाव षष्ठ भाव हूँ आमर रोग ऋण शत्रु भाव आउ रवि एठी रही शत्रुघ्नता जोग सृष्टि करछन्ति षष्ठ भाव में रवि बहुत शुभफल दिखती जो मैंने सरकारी जॉब खोजा चाहूँगी जो मान सरकारी जॉब हो बहुत खोज खोजी नैराश होते निराश होते से सरकारी जॉब एक क्षेत्र में मिल जाए किंतु सेटापण जातक निर्भर कै जातक ग्रहस्थित केमती अच्छी तथापि जदि ग्रहस्थित भल थस को सरकारी जॉब निश्चित मिल जापर आसमें जब ऋण करते ऋण परिशोध करेंगे कौन सी रोग जदि थिला रोग मध्य हटिबो आउ द्वादश भाव को रवि दृष्टि रोचे द्वादश भाव हूँ खर्चर विदेश भाव तेणु आपण इस समय खर्च बहुत लक्ष्य करेंगे बहुत खर्च हम इस समय आउ विदेश जीवा बुलाबूली करवा यह समय मध्य आपण को जो देखा आपण विदेश जापर घर ठार बाहर को जाए विदेश बिजनेस करवा घर ठार बाहर को जाए आपण किसी इनकम करवा कि कम करवा यहाँ देखा जो बाहर को बुलाबूली भी करने को जापारती समय आप इन्वेस्टमेंट कले बहुत भल रही आओ जो मैंने विदेश सहित जड़ित हो कि काम करुले इम्पोर्ट एक्सपोर्ट काम करुले कि एमएनसी कंपनी जो मैंने काम करुले से बहुत भल फल मिल तेणु आपण जदि इस समय निज मामूर सहित संपर्क भल रखती बहुत भल रही मामूर सहित संपर्क भल रखु सूर्यंकर मित्र राशि होती मित्र ग्रह होती बुध तेणु बुध को शुभ रखापी आप सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य दिंतु खूब सका उठतु भोर उठतु सूर्य को अर्घ्य दिंतु बहुत भल फल इस समय मिलपर आम जानवा कर्कट राशि विषय कर्कट राशि व्यक्ति मान पंचम भाव रवि गोचर करने जाती पंचम भाव में विछा राशि पड़ुचे तेणु पंचम भाव कर्कट राशि संतान भाव शिक्षा भाव प्रेम भाव तर इष्टदेवता भाव एंटरटेनमेंट भाव से मानकर ट्रेडिंग आउ जुआ ये सब भाव हूँ पंचम भाव तेणु रवि ये बस रवि ये आपन को ट्रेडिंग रे सफलता देवे पंच जेहेतु पंचम भाव रवि कारक विभाव यहाँ तेणु रवि ये ट्रेडिंग रे सफलता देवे
ଆପଣ ଯଦି ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ କିଛି ପଇସା ଲଗାଉଥିଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେବେ। ସନ୍ତାନର ସନ୍ତାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ, ସନ୍ତାନର କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ, ସନ୍ତାନର କୌଣସି ଖବର ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରୁନଥିଲା, ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାର ଦେଖାଦେଉଛି। ଆଉ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଭଲ ନଥିଲା, ତାହେଲେ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ରବିଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ରହୁଛି। ଏକାଦଶ ଭାବ ହେଉଛି ଆମର ଇଚ୍ଛାପୂର୍ତ୍ତିର, ତେଣୁ ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାପୂର୍ତ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଏ ସମୟରେ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବି ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଲାଭ ବି ଭଲ ହେବ। ଏ ସମୟରେ ଚାରିପଟରୁ ଆୟ ଦେଖାଯିବ, ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକର ଆୟର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆୟର ସ୍ରୋତ ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିବ। ଏ ସମୟରେ ଆୟ ଆଉ ଲାଭ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯିବ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ, ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଲାଭ ବି ମିଳିପାରେ ଏ ମାସରେ। ଆଉ ଆପଣ ଏ ସମୟରେ NGO ବି ଭଲ କାମ କରିବେ, କିଛି ସେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଏ ସମୟରେ ଆଗ୍ରହ କରିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିଛି ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜଳରେ କିଛି ମିଶ୍ରି ପକାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ମାଆଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାଆଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖିଲେ ଏ ମାସ ବହୁତ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ସିଂହରାଶି ବିଷୟରେ। ସିଂହରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ରବି ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ରବି ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ସୁଖ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ସୁଖ ଭାବରେ ରବିଙ୍କର ଶୁଭଫଳ ହିଁ ମିଳିବ, କାରଣ ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ଭାବ, ଆମର ସୁଖ ସୁବିଧା ଆରାମଦାୟକ ଜିନିଷ, ଯେଉଁଟାକି ଗାଡ଼ି ଭୂମି ଭବନ ବାହନ ଏସବୁ ଜିନିଷର ଘର। ତେଣୁ ଏ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଏ ମାସ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ ଅଧିକ ଲାଗିବ, କ୍ରୋଧ ଅଧିକ ରହିବ, ଅହଙ୍କାରୀ ବେଶୀ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଉପରେ କେହି କଥା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଏ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଏ ମାସ ଦେଖାଯିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଗାଡ଼ି ଭୂମି ଭବନ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଯଦି ଭୂମି କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭୂମି ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେତୁକ ଯଦି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେତୁକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ କଟିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ। ଆଉ ରବିଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଯାଉଛି ଦଶମ ଭାବକୁ। ଦଶମ ଭାବ ଆମର ନେମ୍ ଫେମ୍ର ଘର, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ମାନର ଘର। ଆପଣ ଏ ସମୟରେ ନେମ୍ ଫେମ୍ ପାଇବେ, ଯଦି ନୂଆ ଜବ୍ ଖୋଜୁଥିଲେ ନୂଆ ଜବ୍ ମିଳିବ, ନୂତନ କର୍ମଲାଭ ବି ହେଇପାରେ। ଆଉ ଯଦି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରମୋସନ୍ ଅଟକିଥିଲା, ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ଏ ସମୟରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବ, ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ବି ମିଳିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜବ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ବି ହେଇପାରେ, ନିଜର ବସ୍ଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ବି ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ସିଂହରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିଛି ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ବାପାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପାଆନ୍ତୁ, ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ବାପାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ, ବାପାଙ୍କର କେୟାର ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମନମାଳିନ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁନି। ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବା, ଏଇଟା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ରୁଟିନ୍ରେ ସାମିଲ କରିବେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ କଲେ ବହୁତ ଶୁଭଫଳ ଆଗକୁ ମିଳିବ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା କନ୍ୟାରାଶି ବିଷୟରେ। କନ୍ୟାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ରବି ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିଛାରାଶି ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ତୃତୀୟ ଭାବ ଆମର କନଫିଡେଣ୍ଟର ଘର, କନଫିଡେଣ୍ଟ ଆମର ସାହସ ପରାକ୍ରମର ଘର, ତୃତୀୟ ଭାବ ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ଡିଜିଟାଲର ଘର, ଆଉ ପାଖ ପଡ଼ିଶା ଘର, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଭାବ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ଘର ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ଭାବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯଦି ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କେଉଁଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା, ତାହେଲେ ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ଼୍ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। ଆଉ ପଡ଼ିଶା ଘର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ଏ ସମୟରେ ଆପଣ କନଫିଡେଣ୍ଟ ବଢ଼ିବ, ସାହସ ବି ବଢ଼ିବ, ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଏ ମାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଟିକେ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏ ସମୟରେ ଏସବୁ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ
तृतीय भाव रे रवि बहुत फल फल दियंती। तृतीय भाव रे रवि रही नवम भाव को देखुचंती। नवम भाव आमर पितांग भाव तेणु भाग्यर भाव तेणु रवि एठार भाग्य वृद्धि आपणकर करेंगे। भाग्य हेतुक जदि किसी समस्या थिला कौन सी जिनसर प्रतिबंधक आपण को आसुला उच्च शिक्षा कौन सी समस्या थिला आउ ए सब जिनस को समस्या कटो बुलाबूली करने जापारती धर्म आड़ को रुचि बढ़ी पारे आउ पितांकर साहाज्य समर्थन भी ए समय मिले। पितांकर स्वास्थ्य जदि खराब थी पितांकर स्वास्थ्य मध्य भल रेणु सब दृष्टिकोण देखा गले कन्या राशि व्यक्ति मानी ए गोचर सूर्यंर गोचर भल रोच। कन्या राशि व्यक्ति मैंने आपण जदि प्रत्येक दिन सूर्य को जल दिंती सूर्य को नमस्कार करती आपण को ए समय बहुत शुभफल मिलसह जोबले जल दौंस जल रे किसी दुब मिसे सूर्य को जल दिंतु आपण को देखिए बहुत शुभफल मिलू। आगामी छोटी राशि विषय जानापे आम द्वितीय अध्याय आलोचना करवा आसंता काली आम आलोचना करवा तेणु आसंता काली देखा से जाए रोचे नमस्कार।